हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनु मैम हीरापुरे पब्लिक स्कूल से। आप फोर्थ क्लास के बच्चे पिछले वीडियो में सबसे कौन शीर्षक पाठ की जो कहानी है उसे आप लोग जरूर पढ़े होइएगा। मौखिक प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया है, शब्दार्थ याद करने के लिए दिया गया था, याद कर लिए होइएगा। जो भी लिखाया जा रहा है उसको आप हेयर की कॉपी में जरूर लिखते हुएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आगे के प्रश्न का उत्तर लिखा रही हूँ, इसे भी आप लोग हेयर की कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क है, इसमें उत्तर लिखना है। 3 के क में है, कौवा किस किस के पास गया। कौवा किस किस के पास गया। कौवा हंस, तोता और मोर के पास गया। कौवा किस किस के पास गया? तुम खुश हो कहने के लिए। कौवा हंस, पहले हंस के पास गया, तोता के पास गया, फिर मोर के पास गया। कौवा हंस, तोता और मोर के पास गया, बस इतना ही उत्तर होगा। ख है, तोते ने मोर के बारे में क्या क्या बताया। तोते ने बताया कि नहीं, मैं पहले सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश पक्षी हूँ, लेकिन तब तक जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, मोर को देखने के बाद में मैं अपने आप को खुश पक्षी नहीं मानता हूँ। क्या क्या बताया मोर की विशेषता में उसने बताया कि तोते ने मोर के बारे में बताया कि उसके पास रंग बिरंगे पंख हैं। मोर के पास क्या है? रंग बिरंगे पंख हैं जिन्हें फैलाकर बारिश में नाचता है। मोर के पास रंग बिरंगे पंख हैं जिन्हें फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। जब वह मोर नाचने लगता है तो आसपास जो जिसको भी दिखाई देता है मोर को का नाचना, वह खड़े होकर उनके नाच को देखते रहते हैं, देखने लगते हैं। वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। उसे तो राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है। मोर, आप जानते हैं, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तोता बता रहा है कि मोर में विशेषता, इतनी विशेषता है कि उसके पास रंग बिरंगे पंख हैं, अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और लोगों को रिझाता है, लोगों के मन को मोहता है। फिर उससे तो राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है, इसलिए मोर सबसे खुश पक्षी है। में है क्वेश्चन, मोर क्या चाहता था। जब सभी तोता कौवा फिर मोर के पास गया कि तुम सबसे खुश पक्षी हो, तो मोर ने बताया कि नहीं, मैं सबसे खुश पक्षी नहीं हूँ। वह चाहता था, मोर चाहता था कि भले ही मेरे पास, मोर चाहता था कि भले ही मेरे पास रंग बिरंगे पंख नहीं होते, भले ही मेरे पास रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आज़ाद रहता। भले ही मेरे पास सुंदर पंख नहीं होते, मैं बदसूरत ही होता, लेकिन तुम्हारी तरह आज़ाद रहता। मैं सुंदरता पाकर के खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिंजरे में बंद रहता हूँ, जिससे मुझे खुशी नहीं मिलती है। तरह मैं भी आज़ाद रहता। अब उसके बाद में है कौशल का विकास क्वेश्चन। कौशल का विकास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कौशल का विकास, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। कौशल का विकास क्वेश्चन में कौन नंबर क्वेश्चन है कि आप किस पक्षी को पसंद करते हैं और क्यों। कौशल के विकास क्वेश्चन में कौन नंबर क्वेश्चन है, आप किस पक्षी को पसंद करते हैं और क्यों, तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ। हम, आप एक नहीं है, आप सभी बच्चों के तरफ से यह आंसर है, हम मोर को पसंद करते हैं
क्योंकि हम मोर को पसंद करते हैं, क्योंकि वह सुंदर तो होता ही है, मोर सुंदर तो होता ही है, वह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हम मोर को पसंद करते हैं क्योंकि वह सुंदर तो होता ही है, वह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, उसके बाद कौशल के विकास का क्वेश्चन नंबर ख है। ख नंबर क्वेश्चन है कि सबसे खुश कौन पाठ से आपने क्या सीखा, सबसे खुश पाठ से आपने क्या सीखा। इसका उत्तर होगा सबसे खुश कौन पाठ से हमने सीखा कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी भी जीव को कैद नहीं करना चाहिए। हम एक चिड़िया पकड़ लेते हैं, आप लोग में से बहुत बच्चे तितली पकड़ लेते हैं, उसको एक धागे से बांध देते हैं और खेल खेल करके उसको कैद करते हैं, वह छटपटाता रहता है जो उसे पसंद नहीं है। तो इसका उत्तर यही होगा कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी भी जीव को कैद करके नहीं रखना चाहिए। आपका लिखित और कौशल का विकास क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। फिर दूसरे वीडियो में आगे का भाषा ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। HW हो गया आपका रिमेम्बर, राइट CW, इसको कॉपी पर, फेयरटी कॉपी पर साफ सुंदर अक्षर में लिखना है, याद करना है। उम्मीद है आप लोग इसको याद करिएगा और लिख लीजिएगा। धन्यवाद।